ये साथी जुड़े साथी से अलहमदिल्ला सब जुड़े हुए हैं जिनकी बातें हैं, और ये सारे लोग अलहमदिल्ला फिक्रमंद हैं। और जब से नगरा पुलिस स्टेशन में हमारे मुन्ने साहब आए, पहला कदम जिस इन्होंने रखा है और खुशी सवाल है, तो एक दो घंटे के बाद मेरी लोग मुलाकात हुई, तो पहला लफ्ज इनका यह था कि खान साहब किसी भी शहर को जोड़ने में और उसने उसके आतंक को खत्म करने में और उसके अंदर भलाइयाँ डालने में और अच्छे काम करने में दो हाथों की ज़रूरत है, एक हाथ आप एक हाथ मैं, ये दोनों जब मिलके काम करेंगे तो शहर में उन्नति होगी और अच्छे काम होंगे, सारे खराब काम भाग निकलेंगे, गंदगी साफ होगी। उस वक्त तक साफ नहीं हो सकती जब तक हम दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे। अल्लाह का शुक्र है उसके बाद उन्होंने, क्योंकि माहौल बहुत खराब था, आप लोग जानते हैं कि यहाँ मुंडे साहब के आने से दो दिन के पहले और मुंडे साहब के जाने के बाद फिजा एकदम घूम गई और बगैर नकेल के लोग हो गए, सारे लोग घबरे, अल्लाह होगा क्या चाहेगा। लेकिन यह है कि मैं बिल्कुल बड़े अच्छे लोगों को कहता हूँ कि अल्लाह ने इनको उस वक्त ला के संभाला कि जुलमात में आप सारे शहर देख रहा हूँ, मेरे तुम शहर में बिल्कुल जुल्म और सितम की परवरियत हो गई थी दो दिन के अंदर, कि जुलमात में आप सारे शहर देख रहा हूँ, तुम एक इधर मैं जो घर देख रहा हूँ, ये कहना पड़ा मुझे। तो आज की मीटिंग जो हुई है वो सिर्फ मुद्दा है कि जो काम अब तक हुआ उसके बारे में अगला कदम, जैसा कि इन्होंने शुरू आते ही पहला काम किया था, मेरे दोस्त है काफी जो है वकील साहब के यहाँ चाय पार्टी में हम सारे लोग बैठे थे, पहली मीटिंग पहली जगह पहला काम, तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे पहले मुझे वो करना है कि यहाँ के आलिमों से मुलाकात करूँ, एक तो आलिम, दूसरे इमाम साहब लोगों से मुलाकात करूँ, और इमाम साहब से मुझे खुद गुफ्तगू करनी है और किस अंदाज से मुलाकात के बाद, इसके लिए फिक्र हुई और अलहमदिल्ला बहुत हद तक बहुत सारे मसाजिद में इमामों से मुलाकात हुई और तमाम लोगों ने मोहल्ला कमेटी का काम इन्होंने शुरू किया, मोहल्ला कमेटी के साथ साथ आम लोगों की मुलाकात यही नहीं है, और जिन जिनके घरों में औलाद नहीं और खाली 60 साल 65 साल के लोग हैं उनकी भी इन्होंने एक लिस्ट बनाई और अपनी डायरी दी, अपना नंबर दिया और कि मेरी सेवा में वो लोग हमेशा रहेंगे, तो इस तरह से बहुत सारी इसी बारे में इंशाल्लाह मीटिंग होगी और आप लोग वक्त पर आए। मैं लेट आया, मैं माफ़ चाहता हूँ, इसलिए कि मैं जब घर निकला तो मेरी गाड़ी पूरा थी वो बंद हो गई, दूसरे बैठे थे दूसरी गाड़ी लेके आऊँ तो डाबुलकर तो रुका रह गया, इसके लिए थोड़ी सी मैं बहुत माफ़ चाहूँगा। इंशाल्लाह कार्रवाई शुरू होगी और अपनी अपनी राय देना है, मुंडे साहब के कुछ संदेश और उसके संदेश को आगे इंशाल्लाह बढ़ाएंगे सारे लोग मिलकर और बहुत अच्छे अंदाज से इंशाल्लाह बढ़ाएंगे। अपने आज का मीटिंग का मकसद ये है, अपन मैं आया जब से सबको मिलना चाहता था, बहुत लोगों से मेरी मुलाकात हो गई, उनके साथ बैठना उठना हो गया और मैंने खाली दो ही मैंने जो मूवी हुई जो मेरी ये मैं आपके सामने रखा था, मुझे ये भाई दो कि भाई यहाँ पे अपने बुमराह भी बहुत चर्ची है, अपनी जो बच्चों की पीढ़ी नई कौम जो है वो खराब होती जा रही है, ऐसा मुझे हर एक इमाम साहब से मौलाना जैसे बाकी जो आके जो बुजुर्ग लोग हैं सबसे बार बार मिलने के बाद मैंने पहला वो कदम वो उस टाइम उठाया था कि आप सबसे मिल के फिर यहाँ से हटाना, बाकी हमने सी पी साहब का प्रोग्राम लिया, साहब ने वो मीटिंग में बोला था कि भाई यहाँ पे जो माल आता है जो सप्लाई होता है हम कट करेंगे, आप यहाँ का डिमांड बंद करो, दोनों तरफ से अगर आगे बढ़ेंगे तो पूरा बंद हो जाएगा, सी पी साहब ने मीटिंग में बोला था, तो इस तरफ से हमने काम भी शुरू किया था, कम से कम हमारे 10-15 दिन के लोग हैं, 25 किलो पकड़ा, 10 किलो पकड़ा, 5 किलो पकड़ा, वो कभी नहीं रहेगा हमारा मारना चाहते, दूसरी तीसरी क्या हमने वो जो जो अड्डे थे बच्चों के बैठने के रेलवे स्टेशन उधर दली के बाजू में चंद्रपुर के बाजू में और जो जो अड्डे थे ऐसे चार नजर थे, तो कंटिन्यू हमने ठहराव एक महीना लिया, सबको ठोकना ठाकना किया, छोटा के लाइव में दाखिल करे, लेकिन ये इतना जट नीचे गई है कि ऐसे कारण से रुकने वाला काम नहीं है, हम हर दिन लेट कर रहे हैं, फिर 4 दिन के बाद छुटने के बाद फिर वो जैसे बच्चा काम कंटिन्यू कर रहा है,
इसलिए मैंने आपके सामने जो मुद्दे रखे थे कि भाई आप लोगों जो मस्जिद के 10-12 बिल्डिंग जुड़े हैं, 10-12 बिल्डिंग जो जुड़े थे, हर एक बिल्डिंग का जिम्मेदार आदमी आप लोगों के सामने लाना है, चाहे बुजुर्ग हो या चाहे जवान हो, जो बिल्डिंग वाले बिल्कुल मानते हैं वो एक आदमी, एक सब लोग अपने इमाम साहब से जुड़ जाएंगे, वो मस्जिद के इमाम साहब और बाकी सब आदमी जुड़ जाएंगे। ये अपने कमेटी बनाएंगे, कमेटी चाहे बोला कमेटी बने और कुछ नाम दे सकते हो, कुछ नहीं ऐसा नहीं भी किया कुछ, तो फिर इनका जो इमाम साहब जो जाते हैं हर बिल्डिंग में, इनके साथ में कमेटी हो जाएगी और पूरे बिल्डिंग वाले को अपन ब्रीफिंग करेंगे, तो आपके घर में कोई ऐसे जैसे बच्चा रहता है क्या, तो हमको बताओ, अगर उसकी कोई प्राइमरी स्टेज है, मिडिल स्टेज है, दूसरा प्राइमरी स्टेज यहाँ पे करेंगे, मस्जिद में बुला के करेंगे, उसके बाद तो जो कोई जमा पे व्यस्त है उधर भेजेंगे, या कोई जो मेन डिस्ट्रिक्ट में व्यस्त है उधर भेजेंगे, अगर ज़्यादा है उससे आगा होते फिर हमारे पास है उसके ऊपर कानून कार्रवाई कर देंगे। एक मसला अपने आप शुरू करेगा कमेटी में देंगे, आता दूसरा मसला ऐसा है मेरे पास इधर कंटिन्यू लेडीज आते हैं कंप्लेन देने के लिए, जिनके छोटे मोटे झगड़े रहते हैं, बाजू वाली लेडीज का झगड़ा, पानी यहाँ से गया उसका झगड़ा, बच्चे पैसे झगड़ा और जुर्म का झगड़ा, ये झगड़े यहाँ पे छोटे मोटे जो है, तो ये अपन कमेटी के सामने रख के उसका सॉल्यूशन करेंगे, ये उनको झिझक नहीं आपके सामने बोलने के लिए, भाई मेरे बिल्डिंग के आदमी है इमाम साहब है, सही उसको क्या तकलीफ वो सामने आएगी, और अल्लाह ताला के वहाँ मंदिर में वहाँ पे बैठने के बाद तो कोई झूठ नहीं बोल सकता, तो झूठ वाला बिल्कुल सामने आ जाएगा, वहाँ पे वो कबूल करेगा, बाद में उसका सोल्यूशन अच्छा हो जाएगा, तो ये छोटे मोटे झगड़े वहाँ पे मिल गए तो परमानेंट सोल्यूशन उसका हो जाएगा। मेरे पास क्या होता है कि इधर आए एनसी दाखिल करें, फिर ठीक है उसको बुलाओ उसको चैप्टर करो, उनको बोलू होता नहीं, हम तो कार्रवाई करते हैं, बुला दाखिल होता रहे 418 का हमारे तरफ तो एकदम कुटुंब उनको हो जाता है, उनका तलाक हो गया फिर मिल गया 2 बच्चे 3 बच्चे, उससे अच्छी वजह ऐसी भाई जो भी गुस्सा दोनों का 1 घंटे का गुस्सा रहता है बुला दाखिल करके निकल जाते हैं। और आपने इधर मुझे ऐसा देखने को आ गया कि औरत अगर इधर कमरे देख लगे उसके पीछे उसकी माँ सपोर्ट करती है, उसकी बहन सपोर्ट करती है, उसका भाई सपोर्ट करता है, ऐसी टाइप को नहीं करना चाहिए कि भाई उसका तो घर आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये देखने में आने के बाद ये अपने को काम करना है, ये कमेटी में बिठा के अपने को सब वही सोल्यूशन करना है। 4 दिन के बाद अगर फिर झगड़ा होगा फिर आपको कमेटी के मेम्बर बोल सकते हैं, फिर आप उसको बुला के समझा सकते हैं, तो घर कंटिन्यू उसका उनके घर चले, ये चीज़ भी अपना कमेटी बनाए है, उसमें इंशाल्लाह मुझे अभी बस 5-6 किलोमीटर तो अपने बन गए हैं, अभी वो काम करने के लिए कुछ दिक्कत आती होगी तो मुझे बोलेंगे, जैसे पीछे मैंने शर्मा साहब की मीटिंग लिया था उधर के 10 बिल्डिंग का तो हो गया, अभी 22 बिल्डिंग का उन्होंने चालू किया करने का, आपकी तरह का हो गया है भाई, क्या 3-4 सरकार में हो गए ना सरकार, तो ऐसे जो हुए अभी तो काम शुरू करने में भी कोई दिक्कत नहीं है ऐसा मुझे लगता है। अब जब भी बिल्डिंग के सब आप लोग बुलाएंगे तो मुझे उससे बुलाएंगे, मैं सबको ब्रीफिंग करूंगा कि हमारा मकसद क्या है कमेटी का, आप जो कमेटी के खिलाफ जाएगा या कुछ आचरण डालेगा उसे नहीं जाएगा तो उसके लिए हम पुलिस स्टेशन वाले हैं, और जो कमेटी का काम वो कर रहे उनके मानते नहीं तो आप मुझे फोन पे बोल दीजिएगा सर ये काम हमारे हाथ के बाहर है आप उसको सॉल्व कीजिए, तो मैं उसके लिए पुलिस स्टेशन बैठा हुआ काम कर लेंगे। दूसरी चीज मेरे तरफ जो ऐसे पुलिस के मेरे तरफ आएंगे तो मैं आपके पास ही उनको भेजूंगा, मैं कमेटी के पास जाऊँ, कौटुंबिक आपका मसला है वहाँ पे हल होता है, आपसे मैं फोन करूँगा वहाँ आपके भेजूंगा, फिर वो ऑटोमेटिक उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो ये चीज़ों पर आपको काम अभी चालू किया है, बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्स उसे सबने दिया है, बड़े बड़े बुजुर्गों का गाँव हमको आशीर्वाद भी मिला है, तो आप इसमें 100% कामयाब हो जाएंगे ऐसे मुझे तो लगता है। आपने कैसा बोला है बोल दीजिए, पूरा जो है कमेटी के जितने भी मेंबर हैं उनका नाम एड्रेस मोबाइल नंबर के बाद में हर बिल्डिंग के जो है एक कार्य समिति के 2-3 मेंबर ले लो, मैंने 10 बिल्डिंग है 10 बिल्डिंग के ले लो बिल्डिंग करके, उसके बाद फिर दूसरी 10 बिल्डिंग है मेन आपकी जिम्मेदार सेक्रेटरी ट्रेजर और जो मानते जिसकी बात कर रहा है युवक देते ऐसे लोग ना फिर कर लो, बाकी कोई मसला है तो बिल्डिंग का जैसे साहब के पास आया अगर कोई बिल्डिंग नंबर 1 फॉर एग्जाम्पल उसका प्रॉब्लम आया तो साहब बिल्डिंग नंबर 1 के उनके पास आए तो अपने मेंबर के पास भेजेंगे और उनको बैठ कर हल करना है, और नहीं माने तो फिर साहब उसके जवाब से पड़ना है। उन्होंने उनका काम भी शुरू किया है, काम भी शुरू किया है उन्होंने,
वो खड़े हुए के ना नाम और बिल्डिंग का नाम बताइए भाई साहब। अच्छा नाम अपना बताइए और बिल्डिंग का नाम चलिए उसकी एक कमेटी बनाया, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एक गली है उसकी एक कमेटी, फिर ऊपर जो है 13, 14, 15, 16, 17 एक है, फिर 18, 19, 20 एक है उसके ऊपर बिल्डिंग है, इस तरीके से 4-5 हिस्से में बांटा है। उसके ऊपर क्या किया है, उसके ऊपर जैसे हमारी ऑलरेडी एक कमेटी है सैलेश नगर रेजिडेंशियल टेनेंट ऑनर एसोसिएशन, उसने जो है जिम्मेदार जो पीछे काम करते आ रहे हैं उनको उनके सुपरविजन ने जो है ओवरराइड अबव रख दिया। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात क्या हुई कि हम जैसे आप लोग हम लोग पहले इससे पहले कोविड सिचुएशन में आने को 10 बार सोचते थे, लेकिन आज ऐसा मौका है कि साहब खुद चल के आ गए। मतलब कि अभी पिछले संडे को हम लोगों ने मीटिंग संडे थे ना, पहले शहर में मीटिंग रखा तो साहब गया 10:30 बजे तो फोन कर रहे तुम लोग तैयार हो कि नहीं, हम तैयार बैठे, फोन करो हम आ रहे। मतलब कहना है कि एक इतना जिम्मेदार शख्स और इतना बिजी, उसके पीछे एक राज है, एक वो सिस्टम है। साहब का सोचना ऐसा है कि इस पुलिस स्टेशन में ये जो छोटे मोटे जो मामला हैं वो इतने ज्यादा आ जाते हैं कि जो मामला पे इनको काम करना है वो उसमें बिजी होकर वो काम कर नहीं पाते। अच्छा ये मसले जो छोटे छोटे हैं इनके प्लानिंग के बाद तो पहले होता भी ऐसा कि आप देखिए अगर आज से 20-25-50 साल पहले जाए तो इलाके के पंच वगैरह होते थे, 4 जिम्मेदार होते थे, आपस के जितने मामला होते थे वही निपट जाते थे। तो वो चीज जो है साहब ने आकर के सिस्टम को जो है वो दिया है, ये हम लोगों को हम लोगों के लिए फर्ज की बात है कि एक ऐसा शख्स जो हम लोगों के बीच में आकर के हम लोगों के मसाइल को हल करने की हमारे जरिए कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हम तो ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है कि हम लोग अपने अपने इलाके में जैसा कि हम लोगों ने काम शुरू किया है, अभी उसकी आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारे यहाँ कुछ जर्सी लोग थे तो बड़ा आतंक उनका, आखिर में हम लोग ये हो गया कि यार करना क्या है भाई, कब तक बर्दाश्त करेंगे बाहर निकलो, तो उनके खिलाफ हम लोग 15 दिन पोस्टी डाल करके पूरे सोसाइटी के अंदर बैठे, आज के बाद एक जर्सी नहीं दिखेगा, और उसके बाद जो है भगाया है तो कम से कम 1 महीने तक एक आदमी नहीं मिला। मतलब ये कि अगर हम लोग थोड़ा सा अच्छा, अब उसके ऊपर क्या हो गया कि उस वक्त तो हमने अपने डेयरी पे सब किया, लेकिन आज तो हमारे साथ में आपका कहना है कि पहले तो आप मोहब्बत से उसको हल करो, अगर नहीं होता है आपको ऐसा लगता है तो फिर आप हमको फोन करो, हम उनको ला करके यहाँ समझाएंगे, वापस आपके पास भेजेंगे, आप उनको जो है नमाज के जरिए जमात के जरिए समझा बुझा करके उनको आप कंट्रोल कर दें, अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो फिर आप हमको बताएं कि ये आउट ऑफ वे है, अब हमारे कंट्रोल के बाहर है, तो फिर हम उसको कैसे करना है। मतलब इतने सॉफ्ट कॉर्नर है कि किसी आदमी के ऊपर अगर एक केस हो गया, अगर वो मुजरिम हो गया तो फिर वो बोलता है कि एक तो मुजरिम मैं बन गया हूँ, अब आगे 10 भी किया तो मुजरिम ही कहलाऊंगा। तो आपको ऐसा सोचते हैं कि मुजरिम पहले बनने के वो अपनी कोशिश के जरिए वो बच्चे हैं, बच्चे किसी भी तरीके से अगर भूल जाते कि उनको प्यार मोहब्बत से समझा करके अगर हम लोग कर लें तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों के लिए जो है एक फख्र की बात है कि जिम्मेदार शख्स हमारे साथ जो है इस तरीके से आकर के सामून कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बस अलग है हम लोग भी माशाल्लाह जब से आप यहाँ उम्रा में आपकी आपको जिम्मेदारी मिली है हर तरह से यूसुफ भाई के जरिए भी अखबार के जरिए भी पूरी रिपोर्ट मिलती रही और कई बार बात आई थी हर तरह से
सबसे पहले जैसे वो कमेटी वाली जब बात आई, जो आप मस्जिदों में गए, बिल्डिंगों में गए और जब बातचीत हुई, ये तो पहले से ही मुल्क में अलग अलग लोगों का ये मजामी आते थे कि अगर इंतजामिया मुताहरिक हो जाए तो बहुत हद तक शर खत्म हो सकता है, हर तरह का चाहे जैसी बुराई हो हर तरह खत्म हो सकता है। फिर सबसे बड़ी आपने आपकी बात में वजन इसलिए भी और आ गया कि आपने, क्योंकि दुनिया में मजाही जो होते हैं वो इसीलिए होते हैं ताकि अमल कैसे रहे, और मजहब का सहारा लिया जाए तो अमल बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, और आपने ये बहुत बड़ा काम किया माशाल्लाह उमरा में जो मजहबी एतबार से, क्योंकि लोग जब तक के लोगों के अंदर पुलिस से ज्यादा अल्लाह का खौफ रहे, अल्लाह का खौफ रहे, फिर पुलिस का खौफ रहे, तो कोई जो है कोई गलती गलती नहीं रह जाती है। और इसकी बहुत लंबी बात नहीं कर रहा है, लेकिन मिसाल मैं दे सकता हूँ, जब इस्लाम दुनिया में आया है और इस्लाम के आने के बाद जो उसकी खासियत बयान की गई तो यही कहा गया था कि एक औरत तने तनहा सना यमन से चलेगी और आएगी और उमरा करेगी और वापस चली जाएगी, लेकिन उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। तो कहा गया कैसे, तो बोले इसलिए कि जो ईमान वाले होंगे उनको अल्लाह का डर होगा और जो गैर ईमान वाले होंगे उनको निजामिया का डर होगा। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, हम जमीतुल उलमा की तरफ से, और जमीतुल उलमा की तरफ से सिर्फ आज नहीं ये बात हो रही माशाल्लाह, इससे पहले हमारे मुफ्ती अब्दुल बासित साहब जब भी मुमरा में कोई मामला हुआ है हमेशा पेश पेश रहे, और हम लोग भी इंशाल्लाह हर तरह से आपके आपके साथ दामे दिल में सुखने हर तरह आपका दाऊन के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, जो भी ऐसा मुसीबत खत्म होगा इंशाल्लाह उसके लिए हम कोशिश करेंगे। दूसरी बात की जो औरतों वाली बात आई थी, तो उससे मेरे सामने बात आई तो मैंने ये कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम फतवा बोर्ड की तरफ से जो पूरे हिंदुस्तान में दारो कजा का सिस्टम शुरू हुआ है, वो कोई उसका असल मकसद कोई पैरल कोर्ट नहीं है, असल मकसद ये है कि जो ऐसे मामला शादी ब्याह के आयली मामला जो होते हैं वो पहले वहाँ हल किए जाए, अगर वहाँ हल रहते तो बहुत अच्छा है, अगर वहाँ हल नहीं होते इंतजामिया है। तो इस वजह से हम ऐसे मौके पर अगर हम काजी साहब की भी खिदमत ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको और नया एक्सपीरियंस मिलेगा। बहरहाल आपकी तरफ से ये कदम बहुत खुश आइन है, अल्लाह तआला इसको मुबारक करे और पूरे शहर का लवा नाडर और अमन व अमान हर तरह से इसके लिए बहाल हो और अच्छे से अच्छा हो, इसके लिए हम हर तरह से टाउन गिला के साथ तैयार हैं। दोस्तों सबसे पहली बात तो ये है कि जब मुन्ने साहब ने जमीन का कदम रखा तो मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई, और इन्होंने जो एक सबसे पहले काम किया कि गरीब नादार और यतीम बच्चे की शादी में खिदमत की, और मैं समझता हूँ कि मुमरा का पहला पुलिस ऑफिसर है जिसने कोई ऐसा काम किया। दूसरी बात, जब एक खान साहब ने सजेशन मुझे दिया था कि भाई एक जो है मोहल्ले की कमेटी साहब बनाना चाहते हैं, तो मेरे घर पर एक मीटिंग रखी गई, वहाँ जितने भी जिम्मेदार लोग थे जिनको मैं जानता था उनको मैंने बुलाया और साहब से बात की तो ये गौरव राजी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह साहब ने उसी वक्त ये तमाम मसाइल रखे कि भाई देखो हमने इस किस्म का काम जो है औरंगाबाद में किया, अंबरनाथ में किया, वहाँ पर जो है मैंने कोई 498A की FIR तक दर्ज नहीं की, और इसके लिए वहाँ के लोग शहरों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो अपने तौर पर ये मसाइल खुद हल कर लें, ये पुलिस तक नहीं आने दें, जो अपने घरेलू और जाती मसाइल हैं वो पुलिस में ला के हम पुलिस को क्यों परेशान करें। पुलिस का काम तो शहर की हिफाजत करना, वो उस काम के मामला, अगर वो हमारे काम के लग जाए तो अपना काम कब करेंगे। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे शहर को एक बहुत ही मतलब ईमानदार और जिम्मेदार ऑफिसर मिला है, तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि हम सोए हुए थे, हमें मुंडे साहब ने जगा दिया है कि भाई जो काम हमें करना चाहिए वो खुद अपने तौर पर कर रहे हैं, और बेचारे छुट्टी का दिन हो कभी भी आप उनको बुलाइए। एक दिन तो दारुसलाम में एक जोड़ के अंदर सुबह 7:30 बजे यूसुफ भाई ने बुला लिया, और ये फौरन हाजिर, छुट्टी के दिन मतलब तो ये नहीं देखते थे। जी जी, इसके लिए मैं इन्हें बहुत मुबारकबाद देता हूँ और तमाम लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मैं ये सब जो काम होगा सब आप लोगों के ताउन से होगा, तभी इनका हम को इनका हाथ मजबूत करना चाहिए। मेरा नाम शेख अब्दुल रहमान है, मैं शलिया नगर से ताल्लुक रखता हूँ, और वहाँ की एसोसिएशन जो हमारी है एसोसिएशन उसका मैं चेयर हूँ। इससे पहले हमने हमारी बुराइयों को दूर करने के लिए साबिक हमारे जो कमिश्नर लोगों ने जो काम करते हैं उनसे ताल्लुकात हमने कायम किए, तो उनसे कहा कि आप आइए हमें सलाह कीजिए, वहाँ पर आने के बाद आपका इम्प्रेशन पड़ेगा हमारे जो वहाँ पर जो गंदगियाँ फैल रही है, जो लड़के हमारे जो गलत राह पर जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लोग आएंगे और सलाह देंगे आपको, लेकिन ये वक्ती होगा, बार बार तो हम लोग आएंगे नहीं, ये आपको अपने जो मुकामी पुलिस स्टेशन है उससे रास्ते में आपको रहना पड़ेगा। अब हम लोग यही सोच रहे थे कि कैसे रास्ता कायम करें और किस तरह करें, ये तो अल्लाह का बड़ा फजल करम है कि ये खुद चल कर हमारे पास आए, ये और बड़ी बात,
बहुत बड़ा काम है और इसके साथ हमें उनके साथ पूरा पूरा ताउन करना चाहिए। मैं एक शेर कहूँगा कि हसीन कहने से दुनिया हसीन नहीं होती है, दुनिया हसीन नहीं होती है, जिगर के खून से रंग उसमें भरने पड़ते हैं, हसीन कहने से दुनिया हसीन नहीं होती है। बहुत शुक्रिया। पालनपुरी हमारा नाम है, हम वहाँ नूरी गार्डन में रहते हैं, और अमीना मस्जिद सकामी मामा भी करते हैं। अमीना मंदिर साहब से इससे मेरी रास्ता हुआ, हमारी मस्जिद ही मिसाल है, हमारी मस्जिद के साथ मसला आ गया था, मामला बिगड़ सकता था, लेकिन अमीना मंदिर साहब ने बड़ी होशियारी से और बड़ी बेहतरीन तरीके से मामले को निपटा दिया कि जैसे मसला आया तो मंदिर साहब ने फौरन हम लोगों को बुला लिया और जिन जिन शिकायत थी मुझसे शिकायत थी और सामने अगर सारी शिकायत थी सबको बुला के एक आधे घंटे मसले का सोल्यूशन निकाल दिया। सर अलहमदिल्ला ये जो मसाले जो सॉल्व होते हैं तो मंदिर साहब की ईमानदारी की वजह से, और मंदिर साहब जो एक जो तंजीम कायम करना चाह रहे हैं, जो अमन कमेटी कायम करना चाह रहे हैं, मैं इस्तीफा दे रहा हूँ कि मैं ताल्लुक मेरा ताल्लुक पालमपुर शहर से है, तो हमारे यहाँ जो उलमाए किराम है गुलाम हुसैन खामोश वगैरह जो अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं, उन्होंने ऐसी कमेटी बनाई थी जिसका मुआशरा के नाम से, तो अलहमदिल्ला हर गाँव के अंदर ऐसी कमेटी बनी हुई है जिसका फायदा ये है गांव का कोई भी केस या कोई भी एजेंसी पुलिस स्टेशन जाती ही नहीं है, और उसकी मिसाल यहाँ मोमिन नगर की भी है कि पुलिस स्टेशन कोई जाती है, उसमें क्या होता है फायदा ये होता है सबसे बड़ा फायदा कि अगर मेरा किसी कोई दुश्मनी और मेरा अवैध पार्टी वाला अगर पुलिस स्टेशन में जाता है तो दुश्मनियाँ बढ़ जाती है, सड़े कर मेरा केस पुलिस में क्यों लगेगा, तो दुश्मनियाँ बढ़ जाती है। अगर यही मैटर हमारे जो मोहल्ला कमेटी उसमें रहते हैं तो ये जो आपस की दुश्मनियाँ हैं वो दुश्मनियाँ बढ़ती नहीं बल्कि इन शाला उसकी वजह से और बहुत बढ़ जाता है इंशाल्लाह। तो जो मंदिर साहब जो कदम उठाए बड़ा काफी मार कदम है, हमें उनका भरपूर साथ देना चाहिए इंशाल्लाह, और उससे उनका जो फायदा होगा उसका होगा, लेकिन उससे कई बार ज्यादा हमारा फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। और उसका फायदा मेन क्या होगा कि मंदिर साहब की जो नजरें हैं हमारे महल के जो बारी बारी जो गुनाह है उनके ऊपर उनकी नजर नहीं आएगी, हमारी सबसे ज्यादा नजरें हैं, तो हम अगर हम उस टॉपिक को मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, और जो हमसे गलत नहीं हो सकता है तो इंशाल्लाह मंदिर साहब का नाम हमारे साथ में इंशाल्लाह। पहले तो मैं मुंडे साहब का बहुत ही बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, धन्यवाद करूँगा कि एक ऐसा ऑफिसर आज हम 27-28 साल से नुमरे में रह रहे हैं, हमने आज तक नहीं देखा इधर, आप लोग ने भी शायद देखा होगा ऐसा ऑफिसर हमने आज पहली बार नुमरा में देखने को, सब लोग को जोड़ के चल रहे हैं और मुस्लिम लोगों को साथ में लेके चल रहे हैं, तो इनका साथ देना हमारा फर्ज बनता है हमारा इनके लिए। और अपनी जो मोहल्ला कमेटी की बात है इसके अंदर मैं साथ रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी कोई अध्यक्ष मोहल्ला कमेटी का बने उसमें थोड़ा सा पावर अगर आप देंगे तो लोग उनकी बातों के ऊपर ध्यान देंगे, और अगर उनको ग्रैंड पावर नहीं हुआ खाली मोहल्ला कमेटी का अध्यक्ष ही रह गया उसको लोग क्या बोलेंगे चराट बोले मेरे दादा चौकी में, तो थोड़ा सा अगर हमको पावर देंगे तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इसके, और बाकी सभी लोग का शुक्र गुजार हूँ, और साहब आपकी बहुत बहुत हमारी दुआ है आपके साथ। आपने शहर में क्या देखा? बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा होता है आपका नाम निकालते लोग नीचे, और बहुत ही अच्छा आपने बताया इस पूरा शहर में देखे इस टाइम चल रहे हैं आप, तो बहुत ही अच्छी बुद्धि वैसे नहीं है आपके आने की वजह से काफी बदलाव आ गया जी, और काफी मतलब अमन चल रहा है, हर जगह फौरन पहुंचते हैं और कमेटी बना रहे हैं, हमारे लिए काफी फायदेमंद चीज है, उनका सहयोग हमारे साथ है, हमको भी उनका कोऑपरेट करना चाहिए। माशाल्लाह मुंडे साहब को दावत दी गई थी और उन्होंने हमारे साथ भी जो है इफ्तारी करी, अंदाजा हुआ है कि मुंडे साहब माशाल्लाह जो है मुसलमानों को पूरी तरह ताउन कर रहे हैं, और हम सबका भी ये फर्ज बनता रहे कि इंशाल्लाह उनका पूरा पूरा साथ देंगे। मैं मुंडे साहब का शुक्रगुजार करूँगा कि ये जो कदम उठाए वो अच्छा कदम है, जो गंदगी जो फैल रही थी गांजा जो भी है उसको खत्म करने का कदम उठाए। मैं एक बात बताऊँ, जैसा मेरा गांव है, गांव में हम लोग रहते हैं तो गांव में हमारी एक कमेटी रहती है, मुसलमान मौला, मराठी मौला, कोली मौला, बुद्ध मौला, तो हर एक ही कमेटी रहती है, जब कोई इंसाफ या कुछ ऐसा होता है ना तो हम लोग चारों मिलकर बैठ के उसको ये करते, मतलब उसका इंसाफ करते, पुलिस स्टेशन में जाने नहीं देते। वैसे मेरे भतीजे की एक केस चल रही थी मान गाँव में तलाक, तो जब वो तलाक एक साल केस चली जब मेरे को जज बहुत अच्छे थे उनका नाम मैं भूल गया,
उन्होंने मेरे को अपने चेम्बर में देखो मैंने बताया कि जो आपकी जो कमेटी मोहल्ला कमेटी जैसा हम लोग जमात बोलते वो कोर्ट है, ये कोर्ट नहीं वो कोर्ट है, उसमें आप इंसाफ करो। और मैं तो ये सोचता हूँ कि ये कदम उन्होंने उठाया जो मोहल्ला कमेटी का बहुत अच्छा है, उन्होंने एक अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे को लेके साथ में चल रहे उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और इसके आगे भी शुक्रगुजार हूँ। ये जो मोहल्ला कमेटी की तजवीज़ आई है ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, लेकिन इससे पहले हमें बहुत में बहुत ज़्यादा एहतियात भी ज़रूरी है और उन होकर कदम भी रखना है, क्योंकि मोहल्ला कमेटी का मकसद जो है अमन अमान कायम करना और मसाइल को ख़त्म करना। बहुत सी जगहों पर मोहल्ला कमेटी से मसाइल बढ़ जाते हैं, इसलिए हमें किन लोगों को इसमें लाना है, किन लोगों की निगरानी में मोहल्ला कमेटी रहेगी, इसको भी पूरे गौर से ऐसे अफराद ऐसे जिम्मेदार हजरात पूरे मोहल्ले से हर समाज से उलमा की तबके से एजुकेट हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं, ताजिर हजरात हैं, मुलाजिम पे लोग हर तबके की उसमें एक मुनासिब नुमाइंदगी हो ताकि वो मोहल्ला कमेटी हर शोबे में असरअंदाज हो। और मोहल्ला कमेटी के ताल्लुक से एक ज़रूरी बात ये भी है, जैसे जो मोहल्ला कमेटी बने उस मोहल्ला कमेटी की तरफ के लिए एक लेटर हर मोहल्ले का पुलिस स्टेशन से सीनियर साहब की तरफ से जाए, ये क्या कहते हैं मोहल्ला कमेटी पुलिस से अप्रूवल है, पुलिस स्टेशन से अप्रूवल है, ये जो फैसला करेगी उसका क्या कहते हैं वो किया जाएगा। और उसके अलावा एक सेंटर कमेटी भी होनी चाहिए, कभी बसा अवकात ऐसा हो सकता है मैं ही हूँ, अगर मेरे घर का कोई मसला आ जाए तो मैं अपनी तरफदारी में पड़ सकता हूँ, तो अगर किसी को ऐसे महसूस हो कि मेरी इस कमेटी के अंदर बात नहीं मानी गई तो एक सेंट्रल कमेटी हो जहाँ पर क्या कहते हैं अगर किसी को कोई काबिल एतराज़ बात हो तो वहाँ से रुजू हो सके, ताकि मोहल्ला कमेटी के मकसद को पूरे तरीके से बोले काम ला सके। बहुत अच्छा कदम है और तारीखी एतबार से हम देखें तो सीरत से लेकर के अब तक के इसका एक निज़ाम चला आ रहा है और ये हर जगह मुसलमानों के यहाँ पहले से रहा है, लेकिन बदकिस्मती से कि या फिर तंजीमें काम कर रही हैं, NGO काम कर रहे हैं, या मस्जिदों से मस्जिदवार जमाते हैं वहाँ काम होता है, या मसले की एतबार से लोगों ने अपनी अपनी वो बना रखी उससे काम हो रहा है, लेकिन अगर मोहल्ला कमेटी बन जाएगी इसमें तमाम मसलक की नुमाइंदगी भी, ये भी बहुत ज़रूरी है कि तमाम मसलक की नुमाइंदगी भी हो, ताकि ऐसा ना हो कि भाई हमारी बात नहीं मानी गई, कुरान की बात नहीं मानी गई, इस सारी चीज़ों को ले करके जोड़ करके एक सेंट्रल कमेटी बने और उसके अतबार से काम हो। इंशाल्लाह अज़ीज़ जो छोटे मोटे मसाइल हैं जिसके लिए बार बार लोगों को पुलिस स्टेशन आना पड़ता है या हम लोग को परेशानी भी आती है, ये मसाइल हल हो सकते हैं, ये बहुत अच्छा कदम है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए। और जो ये फिक्र लाई गई है जिम्मेदार हमारे जो सीनियर साहब हैं श्री शंकर मोदी साहब, अल्लाह ताला जो इनके उम्र में बरकत दे और इनको अपने लिए दीन के लिए और मुसलमानों के लिए और इंसानियत के लिए कबूल फरमाए, ये बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। और इसको क्या कहते हैं हम लोगों को मिल करके इखलास नीयत के साथ में, सबसे मेरी जरूरी बात है कि हमको खादिम बन करके काम करना है, सरदार बन करके नहीं। जो मोहल्ला कमेटी के अंदर ये फिक्र लेकर के चलेंगे कि हमें कौम मिल्लत की खिदमत करना है तो अल्लाह ताला इज्जत देंगे। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सीनियर साहब की यही फिक्र है कि मैं इस इलाके की कैसे खिदमत कर सकूँ, इसलिए कि अभी बहुत मशहूर वादे से ये दोनों कौमी खादिम हूँ, जो खिदमत गुजार होता है उसको लोग सरदार बनाते हैं, इसी फिक्र की वजह से आज लोग यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं और यही चीज़ रही तो इंशाल्लाह ज़िंदगी के बाद भी क्या कहते हैं इसकी ना रोशन नाम रहेगा, नेकनामी रहेगी और तारीफ करते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तजवीज़ आई है दो तीन चीज़ों की उसको सामने मोहल्ला कमेटी बनाने में रखा जाएगा और प्रशासन की तरफ से उसका अप्रूवल भी होगा, एक सेंट्रल कमेटी भी बनाई जाएगी, एक तजवीज़ है और जो जिम्मेदार आजाद इस पर गौर कर रहे हैं इंशाल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम हुआ जो उसने हमको एक नेक ऑफिसर हमारे बीच में भेजा है। अब नेक ऑफिसर इस हिसाब से कि दीवा में मैं इनके साथ गया था तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको जो है ये चाहते हैं कि आपस में जोड़ हो जाए। इन्होंने वहाँ पे उत्सव के अंदर एक जलसे में ये कहा कि मैं उमरा के अंदर उलमाओं को इस्तेमाल करते हुए वहाँ की उम्मत को सुधारने की फिक्र कर रहा हूँ, वहाँ के माहौल को सुधारने की फिक्र कर रहा हूँ, आप लोग भी जो है मेरा साथ दो, आप लोग भी जो दीवार के अंदर चोरियाँ होती है समझे कि नहीं, और जो भी मसले आते हैं अगर आप लोग भी इस तरह की कमेटी बनाएंगे और इनकी तरह काम करेंगे तो आप लोगों के भी इलाके में सुधार आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हमारे को जो अपने अखलाक पेश करने के लिए कहा गया है, अगर हम अखलाक पेश करेंगे तो आप उम्मत के अंदर जोड़ पैदा होगा और हम ये चाहते हैं कि इनके अच्छे अखलाक की वजह से अल्लाह इनको हिदायत देवे और दुनिया और आखिरत में इनको कामयाब बनाए। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, मुसलमान का काम ये नहीं है
कि अपने मफाद के जिले दिए, बल्कि पूरी इंसानियत के अल्लाह तबारक व तआला ने इसको दुनिया के अंदर जो है रहमत का आगमी हमारे नबी को बना के भेजा, उस नबी की हम उम्मत ही है। अल्लाह ने जो है कुरान पाक के अंदर जो अलहमद शरीफ के अंदर जो है हमारे को सिरात मुस्तकीम पर चलने का हुक्म भी दिया है और लोगों को दावत देने का भी हुक्म दिया है। तो मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अगर इनका साथ हम लोग जो है देंगे और उम्मत के अंदर फिक्र करेंगे, तो जो भी हमारे माँ बहनों के मसाइल है, उम्मत के अंदर के मसाइल है, ये धीरे धीरे दूर हो गए। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है दुनिया में जब नबूवत हुई थी तो उस इलाके के अंदर लोग जो है बहुत दीन से दूर थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे, एक दूसरे से जो है यानी के बदला लेने में तुले हुए थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है मेहनत की तो वहाँ पे जो है सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम पर उनको लकब मिला। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमारे दावत के काम से यही चाहा जा रहा है कि जो हम लोगों के अंदर चल फिर कर बगैर मफाद के, साफ का अक्सर यही कहना है कि भाई बगैर मफाद के नो प्रोविडेंस नो लॉ के हिसाब से अगर कोई काम करेगा तो अल्लाह ताला उसके अंदर जो है खैर पैदा करेगा, शर से बचाएगी। अल्लाह ताला हमको जो हमारे नफ्स से और शैतान के शुरू से हमारी हिफाजत फरमा और पूरी उम्मत को और पूरी इंसानियत को अल्लाह हिदायत अता फरमा। मैं दुआएं देता हूँ और आप सब सबका जो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जो है बहुत कम वक्त के अंदर बुलाने पर आप लोग जल्दी से हाजिर हुए और साहब के साथ मीटिंग के अंदर शामिल हुए। अल्लाह ताला आप लोगों का जजाए खैर अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। रोड पे मरियम मस्जिद मीटिंग रखी गई थी, उनके साथ वहाँ पर आए थे। वहाँ पर सभी लोगों का मतलब ये जमा करने के बाद हम लोगों ने भी जो है 15 मेम्बरों के नाम किए और बनने के लिए हम लोग तैयार है। और इनका जो हम लोग काम रखे तो वहाँ पर यही मतलब आता ही थी सामने कि भाई मैं भी चाह रहा हूँ कि भाई हर जगह मतलब जो है ना सब ये शांति है और मैं इसके लिए मतलब चाहता हूँ कि मीटिंग बना करके आप लोग अपना इस चीज़ पर ध्यान दीजिए और मैं इस चीज़ के लिए बहुत उनके हिसाब से बहुत खुश हूँ और खुश रहूँगा। और आप सभी लोग उनके साथ दीजिए, ये भी आपके साथ रहेंगे। जो छोटे छोटे मसले हैं वो सबको वहीं पर सॉल्व करते जाएंगे और कोई बड़ा मसला आएगा तो यहाँ तक लाएंगे उसको। इसी के लिए मैं आपका शुक्र करता हूँ। कमेटी होनी बहुत अच्छी बात है साहब। अभी गणपति का त्यौहार भी आ गया, अब क्या है गणपति जाता है तो अपने लोग फिर आए तो मस्जिद के अभी उस टाइम पे रमज़ान और गणपति साथ में था तो उस टाइम पे सोने सब नए आए थे और खड़ी मस्जिद के रोड पे गणपति निकल रहा है असर और मस्जिद के बीच में। मैं आमतौर पर वहाँ पूछा, पूरा वो गणपति को निकाला, सोने सब ठीके रहे और उससे भी वहाँ के मेरे गले मिले। मैंने क्या हो गया था साइलेंस से निकाल रहे, बहुत अच्छी बात है। क्या है अपने इधर कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ हो गया तो मैं नया आया था, मेरे को नहीं मालूम था। मैं ऐसा चीज़ पे अपने ना ध्यान दो, अभी कोई भी इंसान क्या है कोई बटन कंपनी क्या उसको नशा में रहता, कोई मानते कुछ भी कर देगा वातावरण खराब होगा। इसके लिए अपन पहले उसके लिए ध्यान दो, ये चीज़ कैसा मान रहे, उनका त्यौहार है और अपन उनको दे रहे इजाजत तो अच्छे से जाए कोई। और मैंने उनको ये भी बताया था मस्जिद आया ना तो ढोल बंद करो, तो लोग बंद भी किया था, मैं यहाँ बंद करो फिर आगे अपन लोग खुद अच्छे कॉपरेट करें तो वैसे कॉपरेट करके वो लोग चलने आने तो अपन भी उसको मदद करना है। ये बात डीसीपी मेरी हर एक अभी कमेटी के लोग आए हैं अपन जो बातें के हर लोगों के अंडरस्टैंडिंग में आ गए कि अपन क्या करना है क्या नहीं। दूसरी चीज सबने बहुत बढ़िया बात की है कि आपने को ये काम अपने एरिया के अपने लोगों के लिए करना है, अपने खुद के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, ये सोच के अपने को काम करना है। उसको कोई अपने को कोई अलग पदवी मिलने वाली नहीं है या कुछ अलग है, इसके वास्ते अपने को काम करने का कि भाई हम कुछ तो भी अलग है ऐसा, जिस दिन ही ऐसा आएगा हम कुछ तो भी दो दिन फिर वो कमेटी का मतलब ही नहीं रहेगा। क्योंकि सामने वाले को लगना चाहिए कि भाई मेरे लिए काम कर रहे, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे, मेरे 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 बुजुर्ग है मेरे, ऐसा जब तक उनकी विश्वास नहीं आएगा तब तक अपनी कमेटी काम नहीं कर सकेगी। तो पीछे का एक किस्सा बोल सकता हूँ, साहब के पास बच्चे आए थे, सब हम जुड़ सकते हैं काम कर सकते हैं लेकिन हमको कार्ड दे दो। मैं बोला अगर तुम पहले मीटिंग में मुझे कार्ड मांग रहे हैं तो फिर मुझे आपकी जरूरत ही नहीं है। अगर आपके दिल में कुछ है तो इन्होंने इमीडिएट उनको एक उधार नहीं साहब एकदम करेक्ट है, अपन काम करके बताएंगे फिर आपको क्या हेल्प लगती है अपन पुलिस की तरफ से लेंगे। इन्होंने इमीडिएट उस दिन उस टाइम बोल दिए। मेरा कहने का मतलब ये कि अपने को
जो बिगड़ गई वो जो बच्चे बिगड़ गए उनको सुधारने के लिए और जो ये हालात सुधारने के लिए आप जो करना है एक हिसाब से सब कमेटी ने सोच के चली, उसमें कोई आप लोगों को तकलीफ बाजी वाली नहीं। और हर चीज़ हर कमेटी के साथ में मैं हूँ, उसके बाद मेरे लोग सब जुड़ जाएंगे। अभी साहब ने और चेयरमैन साहब ने बोल दिया कि उन्होंने अभी 32 बिल्डिंग की एक बड़ी मीटिंग रखी है जिसमें सब तीन तीन चार चार कम से कम 200 आदमी रहेंगे हॉस्पिटल। तो वहाँ पर मैं जाऊँगा उनसे बात करने के लिए कि हर एक आदमी को भरोसा होना चाहिए कि भाई मेरे पास पीछे पुलिस है, जब तक हमारे पीछे सपोर्ट है। और कमेटी 12-15 लोगों के सामने क्या मजा ना किसके करने की, उसी लिए हमें ना फिर अगर 12-15 लोगों को नहीं मानता तो मुझे एक रिंग कर दीजिए, मेरा सब नंबर सबके पास उसको आ जाओ वहाँ होते यहाँ तक, क्योंकि मेरे को कमेटी को बड़ा बनाना है, कोई किसी आदमी को बनाना नहीं। कि वो एरिया का कोई भी तकरार हो कुछ भी हो तो वहाँ का वहाँ सॉल्व होना चाहिए, मेरे को कमेटी बड़ा करना है इसको। और वो तो हम रिकॉर्ड पर रहेंगे, हर एक कमेटी रहेंगी, उनके सब नाम कहाँ रहे थे मोबाइल नंबर तो पूरा मेरे एल्बम ही मेरे पास रहेगा, आपके पास भी रहेगा। और जैसे आपकी कमेटी मीटिंग बैठ गई मेरा आदमी वहाँ पे आएगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा तो सब मेरा दो मिनट आए मैं भी आ सकता हूँ। तो हिसाब से अपने को अभी 104 मस्जिद है अपने पास, तो थोड़ा अपने को अभी थोड़ा स्पीड लेना पड़ेगा। आपके जो दोस्त दूसरे मोहल्ले में रहते हैं तो उनको ज़रा आप सब इतला दीजिए कि भाई हम लोग इधर क्या है सर, आपको भी करना है फटाफट। उस टाइम मैं जाऊँगा, मेरे साहब यूसुफ भाई अभी सर रहते, खान साहब अभी थोड़े बीमार हो गए, डॉक्टर साहब भी है, और आप भी सब जुड़ जाइए ऐसे जाते हुए साहब आप आए हमारे साथ में, कि आपके सबके सजेशन उसमें चाहिए। ऐसा मेरा ही सजेशन अकेले का नहीं चलेगा, कि मेरा भी कुछ डर थोड़ा कम हो सकता है, आपके सजेशन भी अच्छे हो सकते हैं, अपन लेके आगे बढ़ना अपने। और अभी तक तो जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक तो अपना माहौल सबने देखा है, अपना बुमराह इतना बदनाम था कि इधर इलेक्शन में मारा मारी होना ही है, उन्हें दाखिल होना ही है, लेकिन आप इस बार अकाउंट तोड़ दिए, इस बार ना एनसी दाखिल है ना गुना दाखिल है ना कुछ नहीं, इलेक्शन एकदम बढ़िया हुआ। ये सब आपका लोगों का सहयोग है, आपका सरकार है, सब लोगों ने बिल पे लेबर क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब अपन अच्छी चल रही अपने बढ़ते जा रहे। और बाकी दूसरी चीज है कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि मुंडे साहब खाली इधर मीठी बातें कर रहे हैं मिलने, लेकिन वो नहीं है, मेरे पास अभी 12 रुपये लॉकअप है, वो भी काम मेरा चल रहा है करने को। अभी तुम अगर रिवॉल्वर लेके घूमेंगे इकट्ठे के तो उसको छोड़ूंगा नहीं, वो मेरा अलग से काम करने का पुलिस को तो मैं करते रहूँगा, 10-12 केसेज भी दाखिल हो गए जैसे इसके उसके भी मेरा कंटिन्यू काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि यही करके वो काम मुझे, मेरा तो काम कंटिन्यू चल रहेगा, ये जो सप्लाई आता है वो बंद करना है, जो गुनहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करना है, ये तो हम छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए, अभी तक मिल रहा है इंशाल्लाह, अभी भी मुझे मिलेगा, अच्छा मिलेगा। जो साथ जिले का ये दिया तो मेरा दिल भर गया तो मेरे भाई उसको भी 25 हो गया महसूस होता है। पहले किस्सा हुआ था, कल मेरे अमरनाथ की एक लेडीज आई थी, अभी कल का किस्सा साहब थे, उसको बेचारे अकेले है, एक लड़की है साहब नहीं, उसका बच्चा एक्सपायर होगा एक्सीडेंट में, उसका मरण नहीं है, तो बच्ची जहाँ नौकरी करती थी उसको 3 महीने का पगार नहीं दिया। तो बेचारे रोते मेरे पास आए दोनों माँ बेटी, तो मेरे साहब बोले 3 महीने से पगार हमारे बीच कोई नहीं, हमको मगर उसको लाया मामला सीधे तरीके से देता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा काम बताऊँगा। तो बेचारे का पेमेंट दिया, उसकी शादी है लड़की की, तो बेचारे वहाँ से यहाँ तक आई, इसलिए हमने जो अभी तक कोई इंजरी सर बाकी मिलते बच्चा आप देने के एक साहब मेरे को बचा है क्या, अरे नहीं साहब मेरी शादी टूट गई थी आपने छोड़ा के दिए, ये दो बच्चे हो गए, वो जो खुशी मिल जाए वो किसमें गिन देने है। ऐसे औरंगाबाद अमरनाथ हमें सब पुलिस के प्रैक्टिकल किए हैं हम काम, इसलिए मैं भाषण दे भी नहीं देता, इससे मैं अभी सबको यही बोलना चाहते हैं कि इसमें हमको कोई पब्लिसिटी नहीं चाहिए, कोई पॉपुलरिटी नहीं चाहिए, और मैं कभी कोई स्टेज पे भी जाता नहीं, जो वहाँ का काम अच्छा होता है, इसका कुटुंब बढ़ जाता है, लोग अच्छा लगा ठीक है। हम अपने को पुलिस का पुलिस में काम करते हो अगर ऐसा मौका मिल जाए छोड़ना नहीं चाहिए, कोई चीज में प्यार करता इधर यहाँ पे कोबरा में 80% लोग कोऑपरेटिव है, 80% लोग अच्छा चाहते हैं, और वही 80% लोगों के साथ जुड़ के काम करूंगा, इंशाल्लाह 5-6 महीने में बता दूंगा रिजल्ट उसका क्या है क्या नहीं। ये बहुत अच्छा आपके बहुत मुझे ताकत आएगी आप सब उसके साथ में रहने, बिल्कुल
उम्रा तो गरीबों की बस्ती कहला जाती है और वहाँ से पेट भरने वाले किसान की दर 11-12 एक तक दुकान और किसान इसी वजह से होता है कि ज्यादा देर की वजह से दुकान 11 के बाद ये दुकान नहीं खुला रहता है। लेकिन बॉम्बे सिटी में खाना से लेकर 9 बजे 9:30 बजे उनका बंद हो जाता है और ज्यादा देर खुला होने की वजह से बहुत सारे लोग जो है मोहल्ले में स्टेशन से बंद रहता है बंद रहता है जब से आया मेरा अच्छी बात है। अब दूसरी चीज हम लोगों के लिए है ना कि हर उसको अपने कमेटी को बोलना है कि भाई आपका लड़का 8 के बाद बाहर क्यों घूम रहा है 12 बजे 1 बजे वो भी अपन मसला अंदर रखा है। पढ़ता है तो स्टडी कर घर में बैठ के, जो नौकरी दिन भर करता है तो घर में माँ बाप के साथ में 1 घंटा भर घर पे लड़ा टीवी देखा और सो जा 12 बजे बाहर घूमने के बाद वो भी उसमें अपनी जाने के बाद में बच्चों को चलने चलने के लिए रास्ता कोई ना कोई किसी न किसी रोड पर कोई किसी भी ठेला लगा हुआ है। अब इतने टाइम को रिक्शा वालों की इतनी परेशानी रहती है, बीच में जो है एक्सट्रीम वाला है आपके सब जिम्मेदार लोग हैं इधर, आप मेरे को कल आके मिले मैं आपको सब चीजें समझाता हूँ। आपको उम्मीद है कि यानी कि आप लोग जो है लोगों को जो है जोड़ सकते हैं कमेटियों से? कमेटियाँ बन रही माशाल्लाह और अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि अगर ऐसा काम होता रहा तो लोग जुड़ जाएंगे, बुराइयाँ खत्म हो जाएगी और भलाई आम हो जाएगी। अमन कमेटी से आप लोगों को ये यकीन है कि यानी पूरी तरह से जो इस्लाह आम हो जाएगी? कोशिश यही की जा रही है कि अच्छी तरह से शहर के हालात, शहर का जो माहौल है, जो बुराइयाँ हैं वो कम हो जाए, खत्म हो जाए और उम्मीद है इंशाल्लाह कि हो जाएगी। शुक्रिया।
सिलसिले में जमा हो गए आप लोग? ये इसी सिलसिले में जमा होना हुआ कि मोहल्लेवार जो है कमेटी बने और जो तमाम सोल्यूशन जो है, तमाम मसाइल जो है, अपने अपने छोटे छोटे मसाइलों को लेकर औरतें और तमाम मर्द लोग उनके साथ आ जाते हैं, पुलिस स्टेशन में एंट्री कराते हैं, तमाम मैटर को जो है वहीं कमेटी सुलझाए, इसीलिए मीटिंग आज की रखी हुई है। में जमा हो गया यहाँ पर मुंडे साहब ने जो है हम लोगों को एक मुंडे कमेटी के ताल्लुक से जो है मीटिंग रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है मुंडे साहब की सोच जब से ये आए हैं, ये तकरीबन पांचवी या छठी मीटिंग पर्सन मतलब हम जैसे लोगों के साथ उन्होंने किया है। स्टार्ट जो उन्होंने किया था वो चंद लोगों के साथ किया था, 8-10 लोगों के साथ, और बहुत ही मतलब ऐसे दौर में जबकि हमारा एरिया जो है बदनामों का शहर बन चुका था, ऐसे वक्त में जो है शहर को जो है बुराई खत्म करने का जो इन्होंने बड़ा जो नया जरिया और जो नई सोच उन्होंने पैदा किया है, इसको हम लोग जो है हम जैसे लोगों को जो है उनको सल्यूट करते हैं कि वाकई जो है वो ज़मीन पे जा कर के गए, उसकी जो है उन्होंने कोशिश किया कि किस तरीके से जो है ज़मीन से जुड़े लोगों के ज़रिए से इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, क्योंकि डर और खौफ से बुराइयां ख़त्म नहीं होती, मोहब्बत से आमान जिंदा होता है। आप समझ रहे हैं कि इन्होंने तो इंसानियत के फरोग के लिए काम किया है, लेकिन गंदी सियासत इनको काम करने दे सकती है कि नहीं? अब जैसा कि अगर 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 देखिए कि अगर साहब का साहब की सोच जो है वो खालिस, जब मैंने बोला ना कि जब शुरू में ये बात रखी थी तो मुझे अजीब और गरीब लगी थी कि एक पुलिस ऑफिसर इस तरीके की बात, मैं आपको बताते चलूँ कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में जितनी बारी मुंडे साहब के टाइम में मैं पुलिस स्टेशन में आया हूँ, मैं पिछले 30 साल में जो है नहीं आया हूँ, क्योंकि जो उनकी सोच जो है, जो पहला उन्होंने स्टेप रखा और जो ये सोच दिया, तो आई वॉज सरप्राइज कि एक ऑफिसर जो है जो इतने मतलब उसमें जो है मसरूफ़ रहने के बाद और वो इस जीरो लेवल से सोच करके जो है और बुराइयों को ख़त्म करने की बात कर रहा है, ये एक नेक इंसान ही कर सकता है, दूसरा कोई आम आदमी की बात। और अगर गंदी सियासत इनको हटाने की कोशिश करेगी तो आप लोग क्या करेंगे? फिर आपका मंसूबा जो हम कमेटी का जो देखिए सियासत, मैं तो साहब को ये सजेस्ट करूँगा कि ये जो जो काम कर रहे हैं इसको सियासत से जो है अलग रखें, अगर कभी कोई ऐसा मसाइल आया तो सियासत दा को ये बोलें कि भाई आप अपना रोल अदा करें। आप लोग बोल पाएंगे? जी आप लोग बोल पाएंगे ऐसे गंदी सियासत करने वाले? अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ज़िंदगी का एक फलसफा रहा है कि हर बात बोलने में मैं कोई भी कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो मैं कभी किसी से गुरेज नहीं करता। माशाल्लाह। आज इस बार किस लिए जमा हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह जो है उमरा कौसा के जो मामलात है हालात को जो है सुधारने के लिए उमरा कौसा के साहब ने सबको मीटिंग कॉल किए और इसलिए जमा हुए थे, और यही फिक्र है कि उमरा कौसा के अंदर हर आदमी जो है अपने गुनाहों से तौबा का साथ देवे, और पुलिस भी ये चाहती है कि हर आदमी सुधर जावे कि भाई कोई गलत काम ना हो, हमारी माँ बहनों में आपस में जो पड़ोसियों के साथ झगड़े होते हैं और जो है अल्लाह ने की देखो सास बहुओं में झगड़े होते हैं। अभी एक मामला ऐसा हुआ कि हमारे घर के ऊपर ही एक फैमिली मुंबई से आई और जो है वो उनकी बहू मार रही थी, लेकिन बहू की माँ ने अपने आके दामाद को भी मारी, उसके घर वालों को भी मारी, उसको मोहल्ले वाले समझा रहे फिर भी उसके समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जब 4 लोग जाके 10 लोग उसको जाके समझाए और बैठ के समझाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर जोर पैदा हुआ और आपस में नाइंसाफी ख़त्म हुई। यही काम जो है मुंडे साहब चाहते हैं किस तरह से हो, और यही हम लोग भी चाहते हैं कि हर ईमान वाला जो है इसके अंदर हाथ बढ़ाए। तो आप किस सिलसिले में जमा हो गए? मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अभी यूसुफ भाई का फोन गया कि भाई यहाँ पर जो एक मीटिंग अरेंज की जा रही है, तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि भाई मुंडे साहब की जो कार्यकर्तगी रही उस सिलसिले में कुछ बात होगी, और जो जहाँ पर इस किस्म का मतलब कोऑपरेशन की ज़रूरत है उसके लिए लोगों ने यहाँ जमा होने की कोशिश की है कि भाई उनके इलाके में भी जो गंदगी फैली हुई है उसको दूर करें, और ये जो है जैसे चरस गांजा चोरी चकारी के बहुत सारे वारदात हो जाती हैं, और ये मोहल्ला कमेटी उसकी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि छोटे मोटे वारदात को लेके छोटे मोटे झगड़ों को लेके औरतें वगैरह और मर्द हजरात जो है पुलिस स्टेशन में जमा होते हैं, सारा वक्त पुलिस को उसी के पीछे ज़ाया करना पड़ता है। इसके लिए मुंडे साहब ने यहाँ पर
ये काम शुरू किया कि मोहल्ला कमेटी बनाई जाए और यहाँ पर जो है आपस में बैठकर जो है छोटे मोटे हमारे घरेलू मसाइल जो हैं आपस के मसाइल वो वहीं पर हल हो जाएं। और पुलिस के जो काम है चोरी को पकड़ना बदमाशों की वो करना वो सब वो पुलिस अपना उसके ऊपर ज़्यादा टाइम दे सकती है, तो इसके सिलसिले में ये यहाँ पर मीटिंग बुलाई गई है और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम हुआ है और ये काम जारी रहना चाहिए, उम्मत में इससे सुधार पैदा होगा और इंसानियत को एक अच्छा मैसेज जाएगा। सियासत, गंदी सियासत जो है इस काम को कबूल करेगी? सियासत गंदी सियासत बहुत, सियासत तो बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन लोगों ने इसको गंदा कर दिया है। जो गंदे जहन के लोग हैं वो इसको वाकई कबूल नहीं करेंगे, वो नहीं चाहते हैं कि भाई उनकी रोजी रोटी और दुकान बंद हो जाए, मेरा यह ऐसा मानना है। थैंक यू। में जमा हो गए थे सारे लोग, आज हमने जो कमेटियाँ बनाई है मोहल्ला कमेटी, हर मस्जिद के जुड़ के जो 10-12 बिल्डिंग है उनके जिम्मेदार लोग जमाया करके और इमाम साहब को साथ मिले के जो हमने कमेटियाँ बनाए हैं, तो वो कमेटी का हमको आढ़ावा लेना था कि भाई काम शुरू हुआ है या नहीं है, दूसरी चीज उनको क्या मुसीबतें आ रहे हैं तो मुझे बताए, उसके ऊपर मैं उनको सोल्यूशन बताने वाला था। तीसरी चीज वो काम आप लोग इमीडिएट चालू करना है और हर एक बाजू वाले के मस्जिद में बोलना कि ऐलान करना है कि भाई ये काम जल्दी जल्दी शुरू कर दो। लास्ट 2 महीने से आप इसमें प्रयास में लगे हुए हैं, कितनी सफलता मिल चुकी है अभी तक? अब वो भी बनाना उन्होंने चालू किया है। नहीं, अब जिस तरह से यानी आपका टारगेट कितना है मस्जिद का, मतलब काबू में अभी तक तो एक मस्जिद का मसला था, वो हमने तो बस 20-25 मिनट में आके काबू में ला लिए, इमाम साहब और दूसरे लोगों ने गले मिला लिए, इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व किया। दूसरे दिन भाई कुछ होना नहीं, बल्कि हम भी खुद वहाँ पे गए थे, इंशाल्लाह ऐसा कुछ हुआ नहीं वहाँ पे। ये आपको आशा है कि ये जातीय सौहार्द के लिए सहायक हो गए आपकी कमेटी? ये आशा ऐसी है कि कम से कम हर आदमी अपना बच्चा सुधारने के लिए कोशिश करेगा। दूसरी आशा ऐसी है कि जो दोनों मर्द के झगड़े हैं या जो बाजू के झगड़े हैं वो पुलिस लाना नहीं चाहता है, कोर्ट कचहरी नहीं चाहता है, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे वहाँ के वहाँ और वो परमानेंट उसका सोल्यूशन निकलेगा और उनको मालूम पड़ेगी। गंदी सियासत आपको काम करने देगी? वो तो हम तो कंटिन्यू फाइट करते आ रहे हैं उनके साथ में, वो तो हमारा कंटिन्यू फाइट चल रहा है उनके साथ में। आपके वरिष्ठों का सहकार्य मिलेगा? 100% सपोर्ट है, मार्गदर्शन है। हाँ, बड़े सीपी साहब, जॉइंट साहब, डीजल साहब, डीसीपी साहब, हमारे एसीपी साहब कंटिन्यू आके इधर मेरा हौसला बढ़ाते हैं, वो भी मीटिंग में शामिल होते हैं और हम तो ये 100% करके बताने वाले हैं, उसको कुछ शंका नहीं है। आम लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? आम लोगों को इतना मैं बोलूँगा कि आप ये ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाइए, ये जो हमने मोहल्ला कमेटी बनाई है उसका फ़ायदा उठाइए, सही जुट का फैसला भारत के आदमी बिल्कुल 100% कर सकते हैं, ये लोग आदमी अन्याय कर सकते हैं लेकिन वहाँ पर आपको न्याय मिलेगा, इसलिए आप सब उनके साथ जुड़ जाइए और जो भी चीज़ गंदी है क्या है वो सब हमारे सामने आने ला दीजिए, हम उनको बिल्कुल उसके ऊपर उसका खात्मा ही कर देंगे। अभी ये लोगों के समर्थन से आपने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, रिवॉल्वर, तलवारें, चॉपर, वो तो मेरा काम पुलिस का चालू रहेगा, उसमें कोई नो एक्सक्यूज है ना, तो यानी आइंदा भी पहले भी मैंने रिवॉल्वर पकड़ा था टारगेट के पीछे, वो 2-4 लोग फंसे मालूम पड़ा कि इनका क्या उद्देश्य था ये सब इतनी बड़ी घटना कर? इनका उद्देश्य तो क्या, सब गुनहगार है, सिरसी है, पांच साथ साथ उनके ऊपर गुनहे दाखिल है, अभी उनका मुझे तो दुकान लूटने का था बाद में, और किसको क्या, हमारे अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है और हमने इमीडिएट उनको काबू लाया, आगे होने के मसला बहुत हलो अच्छा हुआ है। ये 8-10 महीने के बाद में चुनाव होने वाले हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपको कि चुनाव के लिए जो है कुछ असामाजिक तत्व जो है गतिविधियाँ अंजाम दे सकते हैं? इसलिए हमने अभी बेसिक काम शुरू किया है, 5-6 महीने में तो 100% वो कवर हो जाएगी, बाकी वो चार्ज ही रहेगा ऐसा, तो जब तक वो कोई जेल में रहेगा या कोई सुधर जाएगा, दोनों तीनों चीजें है अभी, अभी हमको टाइम है अभी। हाँ बिल्कुल, अभी तक सुधारने के लिए। आम लोगों के लिए संदेश बस वही, आप कमेटी के साथ जुड़ जाइए, आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, कमेटी को आपका पूरा सहयोग रहेगा 100% रहेगा, लेकिन हो सकता है कि कमेटी के कुछ लोग जो उसका गलत लाभ भी उठा सकते हैं। नहीं नहीं, उनके ऊपर हमारा वॉच है। अच्छा, कमेटी की वॉच है, हम उनके साथ में मीटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। थैंक यू। किस सिलसिले में आज जमा हुए? आज का सिलसिला जो था मुद्दा शहर में अमन,
नंबर एक बहुत बड़ी बात है। ये पिछले काफ़ी दिनों से बात चल रही थी। आपको याद होगा सर, पंजाब की जब रघुवंशी साहब आए थे कमिश्नर बनकर, तो उन्होंने एक तहरीक चलाई थी कि मुबरा शहर में जितनी बातें रुक कर आ रही हैं आए नहीं बल्कि एक अफवाह, लेकिन उस पर जमीन पर काम कैसे हो। रघुवंशी साहब की कोशिशों ने चार बार मुबरा में ऐसे हालात बने कि फसादात होते होते बच गए, जिसमें मासूम बच्चे और कई बहुत सारे लोग मुलविस होते। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ दूरअंतीत अंदेशी के साथ हमारे वरिष्ठ नेता, और जिनको कहा जाए कि हर दिन अजीज, वो इस तरह से मुबरा के लोगों को मिठा लिख देता हूँ। खान साहब कि आप यकीन जानिए कि जैसे मुर्गी होती है ना अपने बच्चों को हर चीज़ से छिपाती अपने पंखों में, चारों तरफ से बहुत सारे बच्चे 8-10-20-25 बच्चे होते हैं उस मुर्गी के साथ, लेकिन यह है कि वो हर चील झपट न ले, कोई वार न कर दे। इस तरह से रघुवंशी साहब ने मुबरा कौसा के लोगों को, कलवा के लोगों को, थाना डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, उन सारे लोगों को अपने पंख में उन्होंने छिपाया कि इस मासूम बच्चों पर या लोगों पर कहीं कोई अत्याचार ना हो जाए, और वो पूरी कोशिश जद्दोजहद करते रहे। लगभग 3.5-3 साल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब हो गए। उसी की एक कड़ी है, जब अचानक मुबरा पे एक हमला ऐसा हुआ कि जातिवाद नहीं बल्कि जो है इस्लामिक एतबार के भी कुछ मतवे हालात बिगड़ने वाले थे, उस पीरियड में भी उन्होंने फौरन जो है मुंडे साहब को तलब किया और शहर दिया और अपना पूरा सहयोग दिया कि मुबरा के वातावरण खराब नहीं होना चाहिए। उसी तरह से उनके जाने के बाद मुबरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हमारे मुंडे साहब को उन्होंने पूरा सहयोग दिया और काम करने का मौका दिया। वही एक कड़ी जितना मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सिंह साहब एडिशनल कमिश्नर हैं, उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया, और अशोक दूधे साहब हैं कि रात को एनी टाइम 2 बजे जरूरत पड़ी वो हाजिर रहे। मिसाल तौर पर आपको बताऊं कि एक पिछले वक्त में स्थानिया हो गया था जो बिल्डिंग गिर गई थी, उस पीरियड में तमाम लोग इकट्ठा थे हंगामी से कल, लेकिन हमारे यहाँ के रघुवंशी साहब ने उसको कोऑपरेट किया और उसको फॉलो किया। उसके साथ सिंह साहब थे, उनके साथ जो है अशोक दूधे साहब थे, काले साहब थे, ACP हैं, और हमारे जो है मुंडे साहब का तो ये आलम हुआ, उसके बाद दूसरा सानिया हुआ। तो बस यही है कि उनकी कोशिशों ने, उनकी पैरवियों ने आज इस हद पर बात आई है कि हर मोहल्ला कमेटी के लोग और अमन चाहते हैं, और मस्जिद में जाकर मिलना, उलमाओं को मिलना और मुक्तदियों से मिलना, इसी तरह से तमाम अच्छे लोगों को जोड़कर एक बहुत बड़ा पैगाम उन्होंने दिया है कि मुबरा कौसा की सरजमीन नहीं बल्कि ये आम बात हिंदुस्तान में हो, हम ये कह सकें कि हम हिंदुस्तानी हैं, और एक हिंदुस्तानी मुसलमान का क्या हक बनता है। मजहबी अतार के हिसाब से भी आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, गंगा जमुन बहराना, ये बड़ी मुश्किलों से बेकरारी का करार पैदा हुआ कि कुछ भी कहने से पहले दिल काकिद हो जाता है कि बहाओगे सड़कों पे लहू आज अपना, बहाओगे सड़कों पे लहू आज अपना, मगर सोचो वतन जब खून मांगेगा तो तुम्हारे पास क्या होगा। ये मुबरा और कौसा के लोग रघुवंशी साहब के साथ जुड़कर ये साबित करना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तानी किस तरह से रहते हैं। और बीच में कई बार ऐसा हुआ कि रघुवंशी साहब के बारे में लोगों के बड़े ऊंचे दूसरे ख्याल थे, लेकिन जब करीब जाने के बाद एहसास हुआ कि किसी अच्छे इंसान को हमने पाया है, और उसके नियुक्ता में काम करने में जो मुबरा और शहर और थाना डिस्ट्रिक्ट में अमन कायम हो रहा है। और आपसे एक बात और कह दूँ कि खान साहब, कि मैं तमाम मुबरा वासियों को मुबारकबाद देता हूँ और कोशिश करूँगा कि सारे लोग इसमें जुड़ें और जुड़कर इस पर अमल करें और कोशिश करके एक पैगाम दें, पैगाम कि अमन किस तरह कायम होता है जैसा कि मुबरा में किया जा रहा है। जी, थैंक यू।